गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल लर्न लेसन 5, मैसेज इन अ बॉटल। मैसेज इन अ बॉटल, एक बॉटल में कुछ मैसेज है। अब क्या मैसेज है पूरी स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे। A long time ago, two children, Meena and Ajay, lived in a small fishing village by the sea in South India. They were good friends and lived next door to each other. Their fathers were both fishermen. ये दो छोटे बच्चे हैं, Meena and Ajay। क्या नाम है इनका? Meena और Ajay। और ये लोग next door means अगल बगल रहना, नेबर्स हैं ये लोग, पड़ोसी। ये फ्रेंड्स हैं और नेबर्स हैं। और इन दोनों के पापा कौन हैं? फिशरमैन हैं। देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज। विलेज में कोई भी स्कूल नहीं था। सो द चिल्ड्रन बिल्ट सैंड कासल, चेस्ट क्रैप्स, स्वाम इन द सी and climbed coconut palms all day long. They had a wonderful life without any worries. Village में कोई भी school नहीं था, इसलिए वो दोनों बच्चे क्या करते थे? दिन भर sand castle बनाते थे, means बालू का घर बनाते थे, और crabs को पकड़ते थे, sea में swim करते थे, coconut पाम में चढ़ते थे, और उनका एक वंडरफुल लाइफ था, और कोई भी वरीज, विदाउट एनी वरीज, कोई भी उनके पास कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ नहीं था, आराम से दोनों बच्चे रहते थे, सॉरी, खेलते थे। वन डे दे वर प्लेइंग ऑन द बीच व्हेन दे फाउंड अ लार्ज ग्रीन बॉटल। एक दिन उनको एक ग्रीन बड़ा सा बॉटल मिला जब वो बीच में खेल रहे थे। बीच मीन्स समुद्र का किनारा। विद ग्रेट डिफिकल्टी द चिल्ड्रन टुक द कैप ऑफ द बॉटल। इनसाइड इट दे फाउंड अ पीस ऑफ पेपर। जब उन्होंने बॉटल को ओपन किया तब उन्होंने क्या देखा कि बॉटल के अंदर एक पेपर का पीस था। व्हाट डज इट से, क्राइड Meena एक्साइटेडली। Meena ने बहुत ही एक्साइट होकर के कहा कि ये क्या है। आई डोंट नो, रिप्लाइड अजय। अजय ने कहा कि हमें नहीं मालूम है। देयर इज सम राइटिंग ऑन इट बट वी कांट। अजय ने रिप्लाई दिया कि इसमें कुछ लिखा है लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते, बिकॉज ये दोनों पढ़ नहीं पाते थे। क्यों नहीं पढ़ पाते थे? बिकॉज देयर वॉज नो स्कूल इन द विलेज। गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। द चिल्ड्रन वंडर्ड What to do? Old Manu, the shopkeeper in the village, could read. बच्चे नहीं समझ पा रहे थे कि वो उनको क्या करना है। Old Manu एक आदमी था, एक shopkeeper था, उसका नाम Manu था, उसने उसको पढ़ना वो जानता था। He would be able to tell them what it said. They decided to go to him. They scampered along to the shop with the bottle and the paper. वो दोनों बच्चे बॉटल और पेपर लेकर के Manu के शॉप में गए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उसको ये लोग दिखाएंगे, क्योंकि उसको पढ़ना आता था। किसको? Manu को। Look Manu, cried the children excitedly. Look what we discovered on the beach. दोनों बच्चों ने बहुत एक्साइट होकर के कहा कि Manu इसको देखिए, क्योंकि इसको हम लोगों ने बीच में इसको हम लोगों को मिला। ओल्ड Manu took the paper from the children. He put on his glasses and started to read. Manu ने पेपर लिया और अपने ग्लास को, ग्लासेस मीन्स स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मे को अपने आंखों में लगा करके उसको पढ़ना शुरू किया। If you get this, said old Manu, reading from the paper, please write to me. I am David and I live in a small fishing village in New Zealand. Here is my address. उस पेपर में क्या लिखा था कि हम भी एक स्मॉल फिशिंग विलेज में, न्यूजीलैंड के एक
छोटे से फिशिंग विलेज में रहते हैं और यहाँ पर मेरा एड्रेस है। ओल्ड मनु पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑन द पेपर। पेपर को दिखा करके मनु ने कहा, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा था, उसका क्या नाम था, डेविड। डेविड ने अपना एड्रेस उसमें लिखा हुआ था। हियर इज़ द बॉयज एड्रेस, ही सैड, द बॉटल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड। इट इज़ अ कंट्री फार फार अवे ओवर द डीप ब्लू सी। यू मस्ट राइट टू डेविड, ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड जस्ट लाइक यू। टेल हिम दैट यू फाउंड हिज मैसेज। उसने कहा, किसने, मनु ने कहा कि एक कंट्री है बहुत बहुत दूर है जिसका नाम न्यूजीलैंड है, वहाँ से एक बच्चा जो कि तुम्ही लोगों की तरह से है, उसको ये तुम लोगों को मैसेज देना चाहिए कि तुम लोगों को उसका मैसेज मिल गया। द चिल्ड्रन लुक्ड डाउन एट देयर फीट, दे लुक्ड सैड। बच्चे दोनों चुपचाप मुंह नीचे करके खड़े हो गए और बहुत दुखी हो गए। वाई आर यू लुकिंग सो सैड, आस्क ओल्ड मनु। ओल्ड मनु ने कहा कि तुम दोनों बच्चे दुखी क्यों हो। वी कांट कैन नॉट रीड और राइट, हम दोनों पढ़ नहीं सकते, कैन बी, हमें कुछ भी पढ़ना नहीं लिखना नहीं आता है। मीना ने बहुत शांत होकर के जवाब दिया, वी आर फुलिश, हम लोग बिल्कुल फुलिश है। यू आर नॉट फुलिश एट ऑल, सैड ओल्ड मनु, वाई डू डोंट यू लर्न। उसने कहा ओल्ड मनु ने कि तुम लोग फुलिश नहीं हो, तुम लोग पढ़ना लिखना क्यों नहीं जानते। देयर इज़ नो स्कूल हियर, सैड अजय, हाउ कैन वी लर्न। अजय ने कहा यहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं है, इसलिए हम लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। आई टीच यू, सैड ओल्ड मनु विद अ स्माइल। मनु ने हंस के कहा कि हम तुमको पढ़ना सिखाएंगे। फ्रॉम दैट डे एवरी आफ्टरनून व्हेन द शॉप वॉज क्वाइट, द चिल्ड्रन सैट विद ओल्ड मनु, ही गेव देम पेपर एंड पेंसिल एंड ही टॉट देम। उस दिन के बाद से आफ्टरनून में जब उसका शॉप क्लोज होता था, दोनों बच्चे उसके पास बैठते थे, उसको पेपर और पेंसिल दिया और उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया। सम मंथ्स लेटर, मीना एंड अजय रोट अ लेटर टू डेविड इन न्यूजीलैंड। कुछ महीनों के बाद मीना और अजय ने डेविड को न्यूजीलैंड में एक लेटर लिखा। ही रोट बैक टू देम, द मंथ्स वेंट बाय, द ईयर्स वेंट बाय। लेकिन कोई भी उस लेटर का रिप्लाई नहीं आया। पूरा महीना बीत गया, साल बीत गए। मीना एंड अजय स्टिल राइट टू डेविड। मीना और अजय अभी भी डेविड को लिखते रहे। नाउ दे आर नियरली एज ओल्ड मनु वॉज वेन ही फर्स्ट रीड देम द मैसेज इन द बॉटल। और अब मीना और अजय ही करीब करीब मनु की तरह ओल्ड हो चुके थे जब उन्होंने बॉटल में मैसेज पढ़ा। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि हमको जो है पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पढ़ना नहीं आता है तो देखिए, उनको बड़ा ये था ना कि उसको मिला तो था बच्चे को, लेकिन उसको वो लोग पढ़ नहीं पाए, और बाद में लेकिन उन लोगों ने पढ़ना लिखना सीख लिया। ओके।